देखिए बाइक स्टार्ट हो चुकी है और ये जब मैं इसका गियर डालता हूँ, गियर डालने के बाद जो है ये बाइक आगे नहीं बढ़ती। देख सकते हैं क्लच पूरा छोड़ दिया है और जो बाइक है वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही। तो इसकी पहचान आप एक तरीके से कर सकते हैं, क्लच प्लेट ख़राब है नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, इस साइड आओ। तो गाइज़ आप पहले बाइक को बंद कीजिए और इसका जो किक लगा के देखिए, जो किक है वो बीच में रुकनी चाहिए, लेकिन इसकी आप किक देख सकते हैं बिल्कुल ही सॉफ्टली ये जा रही है। यदि ये ऐसे रुक जाती फिर तो क्लच प्लेट ठीक था, लेकिन यदि ये अब बिल्कुल भी नहीं रुक रही तो उसका मतलब ये है इसकी जो क्लच प्लेट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप। तो चलिए गाइज़ इसके अंदर क्लच प्लेट को हम चेंज करते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले आपको इस बाइक की किक को ओपन करना है, जिसमें 12 mm का बोल्ट लगा होता है। उसको खोलने के बाद इस तरह से बाहर खींचिए, किक आसानी से निकल जाएगी। इंजन ऑयल पहले जरूर निकाल दें ये प्रोसेस शुरू करने से पहले। उसके बाद लेग गार्ड के 2 बोल्ट आप खोलें, 12 mm के लगे होते हैं। और उसके बाद जो साइलेंसर में 2 बोल्ट लगे होते हैं 12 mm के, उसको भी आप आगे से खोल दें। उसका रीज़न यह है क्योंकि इसका जब तक साइलेंसर नहीं उतारेंगे इसका जो फ्रंट फुटरेस्ट है वो ओपन नहीं होगा और इसका जो क्लच है कवर वो बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह से उसमें जो 17 mm के बोल्ट लगे होते हैं फुटरेस्ट में, उसको खोल के बाहर निकाल दें। और उसके बाद जो क्लच है, ये क्लच को इस तरह से अनलॉक करें यहाँ से, इसमें लॉक लगा होता है और ये निकल जाएगा। उसके बाद जो क्लच कवर है उस पर जितने भी आपको 8 mm के बोल्ट मिले उनको सबको ओपन कर लीजिए। और इस तरह से जो है क्लच कवर के सभी बोल्ट खुल चुके हैं। और उसके बाद एक प्लास्टिक के हथौड़े के साथ इस तरह से इसको थोड़ी सी चोट लगाएं ताकि लूज पड़ जाए, और जो क्लच कवर है इस तरह से आप उसको बाहर खींच लें। तो गाइस इस तरह से हमारा जो क्लच कवर है सुपर स्प्लेंडर का वो अलग हो चुका है। अब हमें इसको खोलना है, इस बाइक का वेट, ठीक है। वेट को खोलने के लिए 10 mm के 3 बोल्ट आप इस पे से खोल लीजिए। उसके बाद ये प्लेट आप इस तरह से बाहर निकालिए और यहाँ पर जो वेट के अंदर नट लगा है आप देख सकते हैं कितना हालत ख़राब है उसकी, क्योंकि जिस मैकेनिक ने इसको पहले खोला होगा उसने जरूर छैनी हथौड़े का इस्तेमाल किया होगा इसको खोलने के लिए। वैसे तो इसमें स्पेशल टूल लगता है, अब हमें टूल लगाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, फिर भी हम इसे टूल से ही खोलेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से नट खुल जाएगा और इस तरह से आप इसके वेट को बाहर निकाल लें। अब बारी है इसके जो क्लच पे प्लेट है उस पर 10 mm के बोल्ट लगे हैं, उसको इस तरह से आप लूज करके यहाँ बराबर इसको खोलें और जो प्लेट है वो निकल जाएगी और अंदर से निकलेंगे इसके 6 स्प्रिंग, उनको भी आप निकाल दें। अब अंदर जो नट लगा है क्लच में वो देखिए उसका हाल तो उससे भी बुरा है, लगता है जो मैकेनिक है उसने टूल का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं जो उसको पहले रिपेयर करता होगा। तो इसलिए हमने जो है इस पर जो कूलर लगाया है वो पल्सर का लगाया है, क्योंकि इसकी हालत तो बड़ी ख़राब है। और इस तरह से इसको हमने निकाल दिया है, यहाँ पे ये वाशर निकलेगा और यहाँ पर ये जो प्लेट है वो थोड़ा फंसी हुई है। तो हम यहाँ पर एक क्लच का जो 8 mm का बोल्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं और इसको हिला के बाहर खींच लेते हैं। और इस तरह से क्लच प्लेट जो है हब सेंटर के साथ बाहर आ चुकी है, ये वाशर लगी होती है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं इसका जो क्लच प्लेट है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, और मेरे हिसाब से इसका जो हब सेंटर है वो भी पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। वो तो हम वर्नियर क्लिपर से ही पता लगाएंगे वो ख़राब है नहीं। तो आप देख सकते हैं क्लच प्लेट की हालत, और इसका एक क्लच हाउसिंग है उसको भी हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ से इसको क्लीन करेंगे, यहाँ पे जो गंदगी लगी है उसको हम क्लीन करेंगे। और ये है इसकी क्लच प्लेट, 610 रुपये MRP है, लेकिन अब इसकी MRP 630 है शायद, थोड़ी बढ़ चुकी है। और क्लच प्लेट इस तरह से होती हैं जो हीरो की ओरिजिनल होती हैं, आप देख लीजिए देखने में इस तरह की होती है, उस पर कुछ भी लिखा नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखें। सुपर स्प्लेंडर क्लच प्लेट पर कुछ नहीं लिखा होता, बिल्कुल आपको प्लेन मिलेंगी, इस तरह से होती हैं देखने में। तो वैसे उसके अंदर ये फ़िल्टर भी लगा होता है, आपको फ़िल्टर को ज़रूर क्लीन कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी डस्ट इसके अंदर लगी हुई है, आपको निकाल के दिखाता हूँ, देखिए कितनी डस्ट है। इसको पूरी क्लीन करके ही इसको वापस डाल दें। और इसके जो हब सेंटर हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं,
तभी जो थी ये बाइक जो थी बिल्कुल भी आगे नहीं चल रही थी, क्योंकि हब सेंटर के अंदर जो प्ले है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसको जो मापने का तरीका है ये सही है या ख़राब है, उसका तो एक ही तरीका होता है, वर्नियर क्लीपर, ठीक है। उसके लिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसको जो मेजर करते हैं वो इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये हमें बता देता है कि जो हब सेंटर है वो ख़त्म है नहीं, ठीक है। फिलहाल इसके हब सेंटर पूरी तरह से ख़त्म है, हम इसको नया डालेंगे। तो हमने चैम्बर को पूरी तरह से क्लीन कर दिया है। अब पहले ये बूस इसमें डलता है, और उसके बाद एक बूस और डलता है, यहाँ पे दो बूस डले होते हैं, और उसके ऊपर डलता है ये क्लच हाउसिंग। इस तरह से आप इसको डाल दें, और उसके बाद ये वाशर लगेगा यहाँ पर, और उसके बाद ये जो हमारा हब है हमने ये नया लिया है, और उस पर जो है क्लच प्लेट फिटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इस पर क्लच प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर एक प्रेशर प्लेट रखेंगे, और उसके बाद जो है दोबारा से क्लच प्लेट। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि ये पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। एक क्लच प्लेट डालनी है, एक प्रेशर प्लेट डालनी है, और इस तरह से जो है आप इसकी क्लच प्लेट फिटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं क्लच प्लेट पूरी तरह से फिट हो चुकी है। और उसके बाद जो सेंटर है हमें इसके ऊपर सेंटर रखना है। सेंटर भी हमने नया लिया है, क्योंकि ये भी पूरी तरह से कट चुका था। और अब इसको करते हैं फिटिंग। तो हमने वासल तो पीछे रख दिया इसके, अब यहाँ पर हम दो बोल्ट इसमें लगा लेते हैं, ताकि इसको फिटिंग करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, और इस तरह से जो है इसको अंदर की तरफ पुश करना है, और क्लच प्लेट जो है वो अंदर फिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे वासल आएगा, और उसके बाद जो नट हमने खोला था वो नट आपको लगाना है। नट की हालत बड़ी ख़राब है, और पुलर के साथ जो है इसको टाइट कर देना है। और उसके बाद जो स्प्रिंग आपने यहाँ से निकाले थे, वो छह स्प्रिंग जो है आपने वापस से लगा देना है। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो पोल आपको दिखाई दे रहे हैं छह, जहाँ पे स्प्रिंग डले हैं उसमें तीन में तो चुड़ी होती है और तीन होते हैं प्लेन, ठीक है। और जिस हिस्से में चुड़ी लगी होती है जिन पोल पे, उन पे ही आप जो है ये प्लेट रख के नट लगाएं, ये ध्यान रखें। अभी आप देखेंगे भाई ये जो तीन में तो इसमें चुड़ी है, तीन में चुड़ी नहीं है, इसके तीन में ही चुड़ी होती है। और इस तरह से प्लेट लगा के उसको वापस से आपको टाइट कर देना है, और यहाँ पर जो बैरिंग निकला था वो बैरिंग को वापस से लगा दें। उसके बाद जो वेट आपने निकाला था उसको भी इस तरह से वापस से लगा दें, और यहाँ पर वाशर लगाएं, और उसके ऊपर जो नट आपने खोला था उसको पुलर के साथ वापस से टाइट कर दें। और इस तरह से हमने इसको टाइट कर दिया है। ये नट पूरा थोड़ा ख़राब है, लेकिन फिर भी हमने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है। और ये रबर रिंग यहाँ पे लगाएं, और उसके बाद जो प्लेट आपने खोली थी उसमें 10 mm के बोल्ट लगा के वापस से टाइट कर दें। इस तरह से हमारी बाइक यहाँ से फिट हो चुकी है। अब इसका क्लच कवर लगाना है, यहाँ पे बैरिंग होता है याद रखें, और यहाँ पे ये ठेसी डालनी है आपको, और यहाँ पे ये पिन होती है, जो पिन यहाँ पे डली होती है ये बुस, ठीक है। इसके अंदर जो है पतला सा होल होता है, ये ज़रूर एक बार चेक कर लें, होल इसके अंदर खुला होना चाहिए, बंद ना हो, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको इस कवर को जो है जैसे आपने इसको ओपन किया था वैसे इसको वापस से लगा दीजिए। और क्लच कवर लगाने के बाद जो है उसके ऊपर कोई पत्ती है ये लगानी है, उसमें 8 mm के बोल्ट लगाने हैं, और जो दूसरे बोल्ट लगे हैं उन सब को लगा के अच्छे तरीके से जो है टाइट कर दें। और हमने इनको सभी को टाइट कर दिया। उसके बाद जो क्लच केबल है उसको आपको वापस से लॉक करना है जो हमने निकाली थी। और अब वो बारी है क्लच को एडजस्टमेंट की। क्लच को एडजस्टमेंट इस तरीके से करें, जहाँ से एडजस्ट होगा ये लूज या टाइट, ऊपर एक बार क्लच को चेक जरूर कर लें। यहाँ पर थोड़ी सी प्ले रहनी ज़रूरी है इस तरह की, ठीक है, पूरा टाइट ना हो, थोड़ी सी प्ले ज़रूर रहे, वरना यदि पूरा टाइट आपने कर दिया तो क्लच प्लेट जो है वो वापस से ख़राब हो जाएगी और बाइक के अंदर पिकअप भी नहीं बनेगा। और इस तरह से किक लगाएं, और ये देखिए किक अब अटकने लगी है जो पहले अटक नहीं रही थी। इस तरह से आपको पता लग गया कि क्लच प्लेट अब फिट जो है प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। और उसके बाद जो फुट रेस्ट वगैरह आपने खोला था उसको वापस से लगा दें,
जो साइलेंसर वगैरह खोला था उसको भी वापस से फिट कर दें। तो हमारी बाइक इस तरह से ठीक हो चुकी है। तो गाइस यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।